नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश शर्मा आज के सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हमने पिछली क्लास में फिजिक्स ना हमने शुरू कर रखी थी और उसमें हम एक लाइट चैप्टर कर रहे थे, उसी क्लास को कंटिन्यू करते हुए आज की क्लास में हम लाइट चैप्टर में एक पार्ट करने वाले हैं जो उसका रहता है। प्यारे बच्चों, हमने पिछली क्लास में दर्पण के बारे में जाना और कुछ न्यूमेरिकल्स के बारे में वहाँ पर जाना, साइन कन्वेंशनल यूनो चिन्ह परिपाटी के नियमों के बारे में जाना, ट्रिक के माध्यम से भी मैंने सारी चीज़ों के बारे में आपके साथ चर्चा की। तो प्यारे बच्चों, उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए आज की क्लास में हम लेंसेज के बारे में जानेंगे। प्यारे बच्चों, कि लेंस क्या होते हैं और लेंसेज के यूज़ क्या होते हैं, कितने प्रकार के लेंस होते हैं और उनके क्या क्या पेपर में न्यूमेरिकल्स बनते हैं, और लेंसेज में यदि कोई बॉडी कहीं रखी है तो किसी लेंस के सामने उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। यदि आपने हमारी पिछली वीडियो अभी तक नहीं देखी है प्यारे बच्चों, तो जो लेंसेज की जब बात आती है तो दर्पण आपको बेहद जानना जरूरी होता है। तो इससे पहले मैं आपसे यही कहूंगा कि इस वीडियो पे जाने से पहले आप पहली वीडियोस देख के आएँ, आपके अच्छे से समझ में आएगा, समझ में तो फिर ये क्लास भी आपकी आने वाली है। तो प्यारे बच्चे, आइए ज़्यादा समय को जाया ना करते हुए आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। और आज की क्लास में हम जानते हैं लेंसेज के बारे में। प्यारे बच्चों, किसके बारे में? लेंसेज के बारे में। जब हम लेंस की बात करते हैं प्यारे बच्चों, तो लेंस यहाँ पे मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। एक होता है कन्वेक्स लेंस। क्या होता है प्यारे बच्चों? कन्वेक्स लेंस। और एक होता है कनकेव लेंस। जैसे दर्पण भी दो प्रकार के यहाँ पे बताए थे, ठीक है ना, जो स्पेरिकल मिरर होता था वो दो भागों में बटा हुआ होता था, एक कनकेव और एक कन्वेक्स। देखो, कन्वेक्स को हिंदी में कहते हैं उत्तल दर्पण। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? उत्तल दर्पण। लेकिन जो कनकेव होता है प्यारे बच्चों, इसको कहते हैं अवतल दर्पण। देखो, कौन सा अवतल होता है, कौन सा उत्तल होता है, आइए हम इसको जान लेते हैं। जैसे इस दर्पण की अगर मैं बात करता हूँ इस तरह से, और इस दर्पण की अगर मैं बात करता हूँ इस तरह से, जो बीच में से उठा हुआ हो, कोनों से अंदर धंसा हुआ हो, दैट इज कॉल्ड अवतल दर्पण, दैट इज कॉल्ड कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स लेंस। दर्पण लिख रहा हूँ, सॉरी, यहाँ पे लेंस लिख लेना बच्चों, है ना, दर्पण याद आ रहा है। ये लेंस है और ये भी क्या है? लेंस है। क्लियर है? जो अंदर से धसा हुआ और कोनों से उभरा हुआ, वो क्या होता है? कनकेव यूनो अवतल लेंस होता है। क्लियर है? कोई डाउट यहाँ तक? अब यहाँ पे सबसे पहले मैं बात करता हूँ प्यारे बच्चों उत्तल लेंस की। किसकी करता हूँ? उत्तल लेंस, यू नो, जिसको इंग्लिश में कहते हैं कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस के बारे में एक ही बात का विशेष ध्यान रखना प्यारे बच्चों, इसको ट्रिक समझ लेना या इसको कंसेप्ट समझ लेना, लॉजिक समझ लेना, कुछ भी समझ लेना, जो काम अवतल दर्पण करता है, क्या प्यारे बच्चों, जो काम अवतल दर्पण करता है, यू नो, जो काम कनकेव मिरर करता था, वही सेम काम कौन करता है? उत्तल लेंस करता है। ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं प्यारे बच्चों। जो काम अवतल दर्पण करता था पिछली क्लास में कंप्लीट जानकारी दे चुका हूँ, बिल्कुल कंप्लीट, 100% कंप्लीट। अवतल दर्पण जो काम करता था, वही काम उत्तल लेंस करता है। जैसे मैं आपसे कहूँ कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब वस्तु कैसी दिखती है, कि सर बड़ी दिखती है, तो सीधी सी बात है प्यारे बच्चों, इसमें भी कैसी दिखेगी? बड़ी दिखेगी। मैं बोलता हूँ कि इसमें जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता था हमेशा, कि सर उल्टा बनता था और वास्तविक बनता था। अवतल दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनेगा? उल्टा और वास्तविक। तो प्यारे बच्चों, उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब भी कैसा बनेगा? उल्टा और वास्तविक बनेगा। बस कुछ नहीं देखना, जो सेम काम अवतल दर्पण के होते थे वही काम उत्तल लेंस के होते थे, और जो काम उत्तल दर्पण के होते हैं वही काम माई डियर अवतल लेंस के होते हैं। क्या प्यारे बच्चों? मैं ऐसे कह सकता हूं कि जो काम मैं कहता हूं यहां पे अवतल लेंस किसके बराबर होगा, यू नो, जो कनकेव लेंस होगा वो किसके बराबर होगा? वो बराबर होगा प्यारे बच्चों किसके? उत्तल दर्पण के। किसके? उत्तल दर्पण, जिसको कहते हैं कन्वेक्स मिरर। आपने पढ़ा होगा, आपने जाना होगा अच्छे से कि जो उत्तल दर्पण होता है उसमें हमेशा कैसा दिखता है? छोटा दिखता है। और इसमें जो प्रतिबिंब बनेगा वो हमेशा कैसा बनता है? सीधा, यू नो, वर्चुअल एंड इरेक्ट। सीधा और वर्चुअल। वर्चुअल को कहते हैं आभासी। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों?
आभासी कहते हैं। तो सीधी सी बात है कि जो अवतल लेंस बनेगा उसमें भी वस्तु कैसी दिखेगी, हमेशा छोटी दिखेगी और सीधी दिखेगी और आभासी प्रतिबिंब बनता है। बस इतनी सी बात याद रखनी है। आइए हम समझते हैं कि देखो जब हमने अवतल दर्पण पढ़ा था तो इसमें छह कंडीशन बनती थी, और जब हमने अवतल उत्तल दर्पण पढ़ा था तो इसमें भी छह कंडीशन बनती थी, लेकिन याद हमें दो ही रखनी होती थी। इन बातों को मैं जल्दी जल्दी क्यों ओवरव्यू दे रहा हूँ प्यारे बच्चों, क्योंकि पिछली क्लास में सारी जानकारी हम ले चुके हैं, पिछली वीडियोज आपको मिल जाएंगी यहीं पर। देखो छह कंडीशन कौन कौन सी होती थी, मैंने आपको बताया था कि जैसे ये दर्पण है, ठीक है, ये फोकस, ये पोल, ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये इन्फिनिटी, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो ऐसी ही सेम कंडीशन किस में होंगी, उत्तल लेंस में होती हैं। आइए हम याद, अच्छा इसके यूज़ और बता देता हूँ प्यारे बच्चों, इसका यूज़ कहाँ होता है, चश्मों में होता है, मैग्नीफाइंग ग्लास में होता है, दूरबीनों में इसका यूज़ होता है प्यारे बच्चों। क्यों? क्योंकि वहाँ पे वस्तु को क्या देखना होता है, बड़ा होता है। आपने दूर दृष्टि दोष, नज़दीक दृष्टि दोष हम पढ़ने वाले हैं, जो निकट दृष्टि दोष होता है, जो मायोपिया होता है, उसमें अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है प्यारे बच्चों। किसका किया जाता है? अवतल लेंस, कनकेव लेंस का। लेकिन जो दूर दृष्टि दोष होता है प्यारे बच्चों, जो हाइपरमेट्रोपिया होता है, उसमें उत्तल लेंस का किया जाता है। किसका किया जाता है? उत्तल लेंस का। मायोपिया क्या होता है कि जिसमें नज़दीक की दृष्टि तो सही होती है लेकिन दूर की दृष्टि खराब होती है, उसके जस्ट उलट क्या होता है प्यारे बच्चों, जो हाइपरमेट्रोपिया होता है उसमें दूर की दृष्टि तो सही होती है लेकिन जो नज़दीक की दृष्टि है वो खराब होती है, उसके लिए किसका यूज़ किया जाता है? उत्तल लेंस का यूज़ किया जाता है। क्लियर है? आइए हम जानते हैं कि उत्तल लेंस में बने प्रतिबिंब क्या प्यारे बच्चों, उत्तल लेंस में बने प्रतिबिंब ये क्या है? हमारा उत्तल लेंस है। क्या है ये? हमारा उत्तल लेंस है। लेंस में से आर पार दिखता है प्यारे बच्चों। क्लियर है? जैसे साथ के साथ में अवतल दर्पण की भी बताता हूं, क्योंकि बराबर होते हैं ना दोनों एक दूसरे के। यहां पे पी होता था लेकिन यहां पे होता है प्यारे बच्चों ओ। क्या होता है? ओ होता है। क्लियर है? यहां पे होता था एफ और यहां पे होता था सी और यहां पे होता है इन्फिनिटी। तो ऐसे ही यहां पे होता है एफ और यहाँ पे होता है 2F और यहाँ पे होता है इन्फिनिटी। क्लियर है? इसमें इधर कुछ भी नहीं होता था क्योंकि उसी जगह प्रतिबिंब बनता था, क्योंकि दर्पण है तो लेंस में इधर की साइड प्रतिबिंब, जितनी दूरी पर यहाँ पे F है उतनी ही दूरी पे यहाँ पे 2F होगा प्यारे बच्चों, और उतनी ही दूरी पे यहाँ पे क्या होगा? इन्फिनिटी होगा। ओ देखो पी की जगह तो ओ लिख दिया, लेंस में इतना सा फर्क करना है बस, P की जगह तो O लिख दिया और F की जगह क्या रखा प्यारे बच्चों? F रखा, और 2F की जगह वहां पे क्या होता था? C होता था, बस यही तो है। अरे यार ऑप्शन होते हैं आपके, चार ऑप्शन है पेपर में, कहीं तो आपको ऐसे लिखा मिलेगा A B C D, कहीं ऐसे लिखे मिलेंगे फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, कहीं ए बे से दे ऐसे लिखे मिलेंगे, यही तो आते हैं, कहीं ए बी सी डी कुछ नहीं है, ये ऑप्शन है, ये इंडिकेट करने के लिए साइन दिए हैं, बस सेम चीज़ वही है। अब इसमें थोड़ा सा चेंज और कर दिया बस लेंस के मामले में, यहाँ पे एफ वन लिख दिया, यहाँ पे एफ वन लिख दिया, यहाँ पे टू लिख दिया, यहाँ पे टू लिख दिया, कि पता पड़ जाए कि हम किसकी बात कर रहे हैं, प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, बस इतनी सी तो बात है। इस एफ की जगह एफ लिख दिया, सी की जगह 2F लिख दिया। क्लियर है? चीजें वही है सेम, हम उत्तल लेंस की बात कर रहे हैं क्योंकि कनकेव मिरर ये है। यदि वस्तु इन्फिनिटी पर रखी हो उत्तल दर्पण उत्तल लेंस के सामने, उत्तल लेंस है, यदि उत्तल लेंस के सामने 2F पर रखी है, कितनी जगह रखी जा सकती है? 1, 2, 3, 4, 5, 6 जगह रखी जा सकती है। जो उसमें होता था सेम होता था प्यारे बच्चों, वो समझ लेना, ये समझ आ जाएगा, जरूरत भी नहीं है समझने की। कुछ नहीं करना आपको, पहली वस्तु, दूसरी वस्तु, तीसरी वस्तु, चौथी वस्तु, पांचवी वस्तु और छठी वस्तु कहाँ कहाँ रखी है? 1, 2, 3, 4, 5 जब इन्फिनिटी पे एक लिखा है तो फोकस पे एक लिख दो, यहाँ पे 2 तो 2, 3 तो 3, 4 तो 4 और 5 तो 5। हाँ या ना? क्लियर है प्यारे बच्चों? क्लियर है ना? क्लियर है ना इतनी बात? 2 सही है।
अब जो अवतल दर्पण में कहानी बनती थी सेम कहानी यहाँ बनेगी, जैसे इन्फिनिटी पर है, कहाँ है इन्फिनिटी पर, तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, फोकस पे, कहाँ बन रहा है F2 पे बन रहा है। कैसा बन रहा है प्यारे बच्चों, छोटा, कैसा बनेगा छोटा, उल्टा और वास्तविक, हमेशा कैसा बनेगा उल्टा और वास्तविक, यू नो रियल एंड इन्वर्टेड। बहुत आसान से शब्दों में समझा रहा हूँ, पूरी कंप्लीट जानकारी क्लियर है। दूसरे नंबर की हम बात करते हैं कि इन्फिनिटी और 2F1 के बीच में है, कहाँ है 2F1 के बीच में है, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, दो नंबर देखो F2 और 2F2 के बीच में प्यारे बच्चों, कहाँ बनेगा F2 एंड 2F2 के बीच में बनेगा। तीन नंबर पे है 2F1 पे है, 2F1 पे है तो कहाँ बनेगा प्रतिबिंब, 2F1 पे है तो कहाँ बन रहा है 2F2 पे। देखो यही होता था ना अवतल दर्पण में कि जब वस्तु कहाँ रखी होती थी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, तो प्रतिबिंब कहाँ बनता था सेंटर पर ही बनता है। तो ऐसे ही जब वस्तु 2F पे प्यारे बच्चों, तो इसमें भी कहाँ बनेगा 2F पे ही बनेगा। इतनी बात मेरी आप समझ पा रहे होंगे, क्लियर है प्यारे बच्चों। अब देखो जो कंडीशन इसमें थी, जहाँ छोटा बन रहा था जहाँ बड़ा बन रहा था, मुझे बताने की जरूरत नहीं है यार, मैं तो खामा खा बता ही रहा हूँ, बस देखने की जरूरत नहीं है। जो काम इसमें होते थे इस वीडियो को देख लो, वही काम सेम इसमें होंगे। बस यहाँ पे छोटा, यहाँ पे छोटा, यहाँ पे बराबर, यहाँ पे बड़ा और यहाँ पे बड़ा, जब फोकस पे तो कहाँ बनेगी इन्फिनिटी पे बनेगी, वस्तु से कैसी बनेगी बड़ी बनेगी। बहुत आसान है, साम दान दंड भेद येन केन प्रकारेन, पेपर में आंसर आना चाहिए। मैंने कंसेप्ट के माध्यम से भी सिखा दिया है कि यहाँ से रे ऑफ लाइट जाती है और वो यहाँ पे मिल जाती है, यहाँ पे मिल जाती है, सारी चीज़ें मैं पिछली क्लास में बता चुका हूँ, आपका आंसर क्लियर होना चाहिए, क्लियर है। अब छठवीं कंडीशन देख लो, वहां पे क्या होती थी कि छह कंडीशन यहां होती थी तो दर्पण के पीछे बनता था। अब दर्पण के पीछे कुछ नहीं हो सकता था, तो इस वजह से इस कंडीशन में आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता था, आभासी बनता था, एक ही कंडीशन थी। लेकिन यहां पे कहां है, यहां, तो इसी ओर बन जाता है, लेंस में इसी ओर नहीं बन सकता, लेंस में हमेशा कहां बनेगा दूसरी ओर बनेगा। लेकिन जब इसी ओर बन रहा है तो ये केवल एक आभास किया जाता है, तो इस कंडीशन में कैसा बनता है, आभासी, सीधा और वस्तु से बड़ा बनता है। बस इतनी बात याद रख लेना कि जब F और O के बीच में रखी हो तो दर्पण के उसी ओर बन जाता है प्यारे बच्चों, और सीधा बनता है और वस्तु से बड़ा बनता है, और आभासी यू नो वर्चुअल इरेक्ट एंड लार्जर बनता है। क्लियर है ना प्यारे बच्चों, क्लियर क्लियर। उत्तल लेंस भी समझ आया होगा, इसी में देखो अवतल लेंस क्या है, अवतल लेंस जिसको इंग्लिश में कहते हैं कनकेव लेंस। जो काम कनकेव, जो काम कन्वेक्स मिरर में होते थे, मतलब उत्तल दर्पण में होते थे, वही काम किस में होते हैं, सेम इसमें अवतल लेंस में होंगे। जितनी कंडीशन वहां बनती थी इस तरह से होता था ना, तो इसमें क्या होगा, इस तरह से होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा O, यहाँ पे क्या हो जाएगा F1, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2F1, यहाँ पे क्या हो जाएगा इन्फिनिटी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा F2, यहाँ पे 2F2, यहाँ पे इन्फिनिटी, वही सेम चीज़ है प्यारे बच्चों। देखो यहाँ O है तो यहाँ क्या होता है P, वहाँ पे क्या होता है P, यहाँ पे F1 है तो यहाँ पे होता है F, यहाँ पे क्या है C, यहाँ पे 2F1 की जगह C रख दिया, और ये क्या होता है इन्फिनिटी। सेम चीज़ है, वही सेम चीज़ है घूम फिर कर, इसमें F क्योंकि इधर प्रतिबिंब बनता है, इसमें हमेशा आभासी और सीधा। जब आप अवतल और उत्तल को समझेंगे ना दर्पण को, तो सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी, वही चीज़ें बताने की ज़रूरत ही नहीं है। इसमें प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है, यू नो कनकेव, सॉरी कन्वेक्स है प्यारे बच्चे, कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स मिरर ये लिख रहा ना, कन्वेक्स मिरर में हमेशा सीधा आभासी और वस्तु से कैसा बनेगा, छोटा बनेगा, यू नो स्मॉलर बनेगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगा, क्लियर है। तो ऐसे ही अवतल लेंस में भी कैसा बनेगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट, और वस्तु से कैसा बनेगा, छोटा बनेगा। सेम कंडीशन जो ये होती थी वही ये है और वही ये है, ठीक है, पिछली क्लास देख लेना, सारा समझ आ जाएगा उसी से। आइए अब हम इसमें न्यूमेरिकल्स की तरफ चलते हैं। ये लेंसेज के बारे में हमने कुछ चर्चा की प्यारे बच्चों, इसमें हम जानते हैं लेंस फॉर्मूला, क्या लेंस
फॉर्मूला, हमने मिरर फॉर्मूले की बात करी थी, अब हम लेंस फॉर्मूले की बात करते हैं। लेंस फॉर्मूला क्या होता है, वन अपॉन एफ इज इक्वल टू वन अपॉन वी माइनस में वन अपॉन यू। और मिरर फॉर्मूला क्या होता था, मिरर फॉर्मूला क्या होता था, वन अपॉन एफ इज इक्वल टू वन अपॉन वी प्लस में वन अपॉन यू। प्यारे बच्चों एफ क्या होती है, फोकस दूरी, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ या फोकस दूरी होती है। वी क्या होता है, यहाँ होता है प्रतिबिंब की दूरी, क्या होता है प्रतिबिंब की दूरी, यू नो लेंथ ऑफ इमेज, किसकी इमेज की दूरी। और U क्या होता है, ऑब्जेक्ट की दूरी, किसकी ऑब्जेक्ट की दूरी। और ऑब्जेक्ट क्या होता है प्यारे बच्चों, वस्तु की दूरी। बताया था मैंने कैसे पहचानेंगे, भाई पहले किसी भी लेंस के सामने, जैसे उत्तल लेंस है तो लेंस के सामने कोई वस्तु रखी जाएगी तभी तो उसका प्रतिबिंब बनेगा। तो इस वजह से U पहले आता है कि V पहले आता है अल्फ़ाबेट में, कि सर U पहले आता है तो वस्तु रखी जाएगी, तो वस्तु का मतलब है U, प्रतिबिंब बाद में बनेगा तो V बाद में आता है, तो इस वजह से हम V कह देते हैं। वन अपॉन एफ इज इक्वल टू वी माइनस में वन अपॉन यू। इसी के फॉर्मूले बेस क्वेश्चन पूछता है प्यारे बच्चों। साइन कन्वेंशनल रूल हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं, जैसे कोई भी लेंस आए, कोई भी दर्पण आए, अगर कोई चीज़ इधर है तो हमेशा नेगेटिव में होगी, और कोई चीज़ इधर है तो वो हमेशा किस में होगी, पॉजिटिव में होगी। कोई भी प्रतिबिंब किसी भी लेंस में, किसी भी लेंस का अगर मैं उत्तल की बात करूँ तो प्रतिबिंब किधर बनते हैं, इधर की साइड बनते हैं, और वस्तु कहाँ रखी जाएगी, इधर की साइड। तो वस्तु क्या होती है, U, तो U हमेशा क्या रहेगा, नेगेटिव उत्तल लेंस में। V क्या रहेगा, हमेशा पॉजिटिव रहेगा। देखो समझते हैं इसको, बहुत आसान से शब्दों में समझते हैं, ये थोड़ा सा रपचप सा हो गया यहाँ पे। देखो इतनी बात समझ आई, देखो क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं, आसान रहेगा। देखिए क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों, यदि किसी कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ, इफ हिंदी में लिख लो, यदि किसी कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ, फोकल लेंथ मतलब कि फोकस दूरी कितनी है प्यारे बच्चों, 30 सेंटीमीटर है, कितनी है 30 सेंटीमीटर है प्यारे बच्चों, तथा किसी ऑब्जेक्ट को 60 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाए, तथा किसी ऑब्जेक्ट को 60 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाए, साइन कन्वेंशनल रूल देख लेना प्यारे बच्चों फटाफट, रखा जाए तो प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करें, तो प्रतिबिंब, प्रतिबिंब को इंग्लिश में बोला जाता है इमेज की दूरी फाइंड करें, यू नो ज्ञात करें। बहुत सरल सा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, मैंने पहले भी बताया, मैं फिर दोबारा बता रहा हूँ, अर्थमेटिक का कोई भी क्वेश्चन हो, मैथ्स में या साइंस का कोई भी न्यूमेरिकल हो, सबसे पहले आपको एक ही बात का विशेष ध्यान देखना है कि क्वेश्चन में दे क्या रखा है। देखिए फटाफट एक सेकंड में आप आंसर निकालने की कोशिश करेंगे, बताइए मुझे फटाफट, नहीं निकलता फिर मैं बताता हूँ, बताइए प्यारे बच्चों फटाफट बताइए। देखो सबसे पहले देखो गिवन दे क्या रखा है, यदि किसी कन्वेक्स लेंस, क्या है कन्वेक्स लेंस दे रखा है, तो सीधी सी बात है लेंस फॉर्मूला लगेगा, सही है। फोकल लेंथ कितनी दे रखी है, तो एफ का मान कितना दे रखा है, 30 सेंटीमीटर, तथा किसी ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट मतलब कि वस्तु की दूरी, वस्तु क्या होगी, यू होगी कि वी होगी, पहले क्या रखा जाता है वस्तु, प्रतिबिंब तो बाद में बनेगा ना, तो यू पहले आता है कि वी पहले आता है, कि सर यू पहले आता है, तो यू कितना होगा प्यारे बच्चों, 60 सेंटीमीटर, क्लियर है। दूरी पर रखा जाए तो प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करनी है, वी का मान ज्ञात करना है, आपको पता है वन अपॉन एफ इज इक्वल टू वन अपॉन वी प्लस में, सॉरी वन अपॉन वी माइनस में लेंस है, तो लेंस का फॉर्मूला क्या होगा, वन अपॉन वी माइनस में वन अपॉन यू। अब क्या पॉजिटिव लेना है क्या नेगेटिव लेना है, इसका विशेष ध्यान रखिएगा, मैं पहले बता चुका हूं, मैं फिर दोबारा बता रहा हूं प्यारे बच्चों, देखिए कैसे, ये उत्तल लेंस है,
ये ओ है, यहाँ पे एफ है, यहाँ पे 2F, मतलब सी लिख लो, डायरेक्ट सी लिखो आप समझने के लिए, या आर सी है ना 2F, और यहाँ पे इन्फिनिटी, यहाँ पे एफ, यहाँ पे 2F, जो चीज़ यहाँ रहेंगी वही चीज़ यहाँ रहेंगी। क्लियर है? उत्तल लेंस के सामने कोई वस्तु रखी है, सामने इधर है कि इधर है? इधर है प्यारे बच्चों, किधर है? इधर है। तो कहीं भी रखी हो यहाँ से यहाँ तक, सामने वस्तु रखी है, इधर पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव? एक्स एक्सिस में, एक्स में इधर पॉजिटिव होता है, इधर नेगेटिव, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव। क्लियर है ना? जब वस्तु इधर रखी है तो यू का मान हमेशा कैसा लेना पड़ेगा प्यारे बच्चों? आपको माइनस के 60 सेंटीमीटर लेना पड़ेगा। क्लियर है? प्रतिबिंब हमेशा कहाँ बनता है उत्तल लेंस में? पीछे बनता है प्यारे बच्चों। जब इसका प्रतिबिंब पीछे बनेगा तो सीधी सी बात है कि जो वी निकल के आएगा वो कैसा निकल के आएगा? पॉजिटिव ही निकल के आएगा, क्योंकि और उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा कैसी होती है? पॉजिटिव होती है प्यारे बच्चों। तो सीधी सी बात है कि इसका मान मुझे कितना लेना पड़ेगा? 30। अवतल लेंस की फोकस दूरी नेगेटिव, लेकिन उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा पॉजिटिव होती है। तो रख दो भैया फॉर्मूले में, पुट करना है, कर दो भैया। कैसे करेंगे? 1/f कितना है? 1/30 इज इक्वल टू वी निकालना है माइनस 1/-60। क्लियर है? अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो 1/30 इज इक्वल टू 1/v प्लस में 1/60। इतनी बात में किसी बच्चे को कोई डाउट होगा? नहीं होगा। क्लियर है ना? तो क्या हो जाएगा? 1/30 माइनस में 1/60 इज इक्वल टू 1/v। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। इस 60 को मैं कहाँ ले गया? इधर ले गया, तो एक इसमें हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो इसका एलसीएम कितना आएगा प्यारे बच्चों? इतना तो आप समझते होंगे, मुझे उम्मीद है कि आप मैथ्स पढ़ रहे होंगे। तो इसका जो एलसीएम होगा प्यारे बच्चों 60 होगा, 30 दूनी 60, 1, तो कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों? 1/60। तो 1/v की वैल्यू है, तो v की वैल्यू कितनी हो गई प्यारे बच्चों? 60 सेंटीमीटर। सो इट मींस 60 इज द राइट आंसर। क्लियर है ना? क्लियर है साइन कन्वेंशनल और कैसे निकलते हैं प्यारे बच्चों? क्लियर है? निकालो, एक और क्वेश्चन निकालो फटाफट, फिर हम देखते हैं आपका सही आता है कि गलत आता है। डायरेक्ट क्वेश्चन दूं या पूरी डेफिनेशन बोलूं? चलो डेफिनेशन के माध्यम से, जिस तरह पेपर में, एक उत्तल लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी एक वस्तु, एक उत्तल लेंस से, कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस से, दूसरा क्वेश्चन भी उत्तल लेंस का ही दे रहा हूं। उत्तल लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी एक वस्तु, रखी एक वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब लेंस से, का वास्तविक प्रतिबिंब लेंस से, किससे प्यारे बच्चों? लेंस, कौन से लेंस से? उत्तल लेंस से, लेंस से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है, 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। देखिए क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज किया है बस, बनता है तो इसकी फोकस दूरी ज्ञात करें। तो क्या ज्ञात करें? इसकी फोकस दूरी ज्ञात करें, फोकल लेंथ ज्ञात करें। सारी चीजें दे रखी हैं, केवल क्या ज्ञात करना है प्यारे बच्चों? फोकस दूरी ज्ञात करनी है। क्लियर है? क्लियर है ना प्यारे बच्चों? बताइए, करिए, चेंज कुछ नहीं है, पहले ही जैसा है सेम। चेंज करना था लेकिन मैंने किया नहीं। साइन कन्वेंशनल से लगाइए पहले, क्या क्या दे रखा है? उत्तल लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु, वस्तु रखी है, वस्तु कितनी दूरी पर है? तो यू का मान कितना दे रखा है? 30 सेंटीमीटर। कितना दे रखा है? 30 सेंटीमीटर। आगे क्या दे रखा है?
वास्तविक प्रतिबिंब बनता है प्यारे बच्चों, तो वस्तु का मान तो हमेशा कैसा आएगा, माइनस के 30 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि उत्तल लेंस है तो वस्तु किधर रहेगी, इधर की साइड, और इधर किस में आता है, नेगेटिव में। अगली लाइन में है प्यारे बच्चों वी, अरे मिट जा, वी का मान कितना है, प्रतिबिंब 20 सेंटीमीटर। वास्तविक प्रतिबिंब है तो सीधी सी बात है कि वास्तविक तो कहाँ बनेगा, लेंस में, इधर बनते हैं, तो ये हमेशा कैसा रहेगा, पॉजिटिव 20 सेंटीमीटर रहेगा। फोकस दूरी ज्ञात करनी है प्यारे बच्चों, तो फोकस हमेशा कैसी निकल के आएगी, पॉजिटिव ही निकल के आएगी। तो सीधी सी बात है, 1/f = 1/v + 1/u, प्लस नहीं आएगा प्यारे बच्चों, नेगेटिव आएगा ये, है ना, माइनस में 1/u, लेंस फॉर्मूला है। वैल्यू पुट कर दो ना यार, वैल्यू पुट करो, इतना तो कर ही सकते हैं यार। देखो 1/f = v कितना है, 20 माइनस के 30, एलसीएम 60, 20 दिए 60, 3 × 2 = 6, तो 1/60, 1/f की वैल्यू है प्यारे बच्चों, तो f की वैल्यू कितनी आएगी, 60 सेंटीमीटर। उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो हमेशा पॉजिटिव होती है। क्लियर है ना प्यारे बच्चों, साइन कन्वेंशनल रूल हमेशा आप बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे। इसमें पिछली क्लास में देखिएगा, अगर आप डायरेक्ट इस क्लास पे पहुंच रहे हैं तो प्यारे बच्चों दिक्कत हो सकती है, पहले आपको दर्पण समझना होगा। दर्पण के बाद 1% भी कोई डाउट आपका बचने वाला नहीं है, मैं आपको अश्योर कर सकता हूँ, 100% आपके साथ कह सकता हूँ। देखो प्यारे बच्चों, एक क्वेश्चन लिखो, कनकेव लेंस के सामने, किसके सामने, कनकेव लेंस के सामने, कनकेव लेंस के सामने 50 सेंटीमीटर पर वस्तु रखी है, 50 सेंटीमीटर पर वस्तु रखी है, और इमेज, हिंदी वाले प्रतिबिंब क्या कहते हैं, इमेज प्रतिबिंब 25 सेंटीमीटर या 20 सेंटीमीटर लिख लो, 20 सेंटीमीटर पर बनता है, तो क्या प्यारे बच्चों, तो फोकस दूरी ज्ञात करें, फोकल लेंथ है ना, फोकस दूरी ज्ञात करें, बताओ भाई फोकस दूरी ज्ञात करनी है प्यारे बच्चों, फोकस दूरी आप बताओ u किस में होगा, v किस में होगा, अवतल है, अवतल की फोकस दूरी हमेशा नेगेटिव निकल के आएगी। अब आप देख लो, देखो समझा देता हूं मैं, देखो ध्यान से समझना प्यारे बच्चों, बहुत आसान है, अवतल लेंस है, अवतल लेंस में प्रतिबिंब कहाँ बनते हैं, लेंस के इधर या इधर, वस्तु तो यहीं रखी रहेंगी, सीधी सी बात है, इस वाले एरिया में अवतल दर्पण के सामने, इधर प्रतिबिंब हमेशा कहाँ बनना चाहिए, बनना तो चाहिए यहाँ पर, क्योंकि अवतल में हमेशा जो प्रतिबिंब बनता है वो आभासी बनता है, आभासी मतलब कि वर्चुअल, और लेंस में बनना चाहिए तो इधर, लेकिन बनता किधर है, इधर, तभी तो आभासी बनता है। अगर इधर बनता, रियल में इधर बनता, तो वो रियल हो जाता, वो वास्तविक हो जाता, जैसा उत्तल लेंस में होता है। तो इसमें प्रतिबिंब कैसा बनेगा, हमेशा आभासी बनता है। तो सीधी सी बात है कि जो प्रतिबिंब होता है प्यारे बच्चों, प्रतिबिंब मतलब वी की यू, प्यारे बच्चों वी की यू, वी, तो वी हमेशा कैसा लेना पड़ेगा, नेगेटिव। क्लियर है, यू यू हमेशा कैसा लेना पड़ेगा प्यारे बच्चों, नेगेटिव। और फोकस दूरी भी हमेशा कैसी निकल के आएगी, नेगेटिव ही निकल के आएगी जब हम इसकी, क्योंकि जो काम दर्पण में होते थे, मैं बार बार दर्पण पे क्यों जोर दे रहा हूँ मेरे प्यारे बच्चों, माई डियर स्टूडेंट, मैं इसीलिए दर्पण पे जोर दे रहा हूँ क्योंकि मैं दर्पण में सारी चीज़ें आपको बहुत आसान तरीके से बता चुका हूँ। आप देखिए उस क्लास को, देखो सीधी सी बात है, अब कैसे निकालेंगे, कनकेव लेंस के सामने 50 सेंटीमीटर पर वस्तु रखी है, वस्तु क्या होगी, यू, तो यू कितना हो जाएगा, माइनस के 50 सेंटीमीटर, क्योंकि इधर है तो नेगेटिव लेंगे। वी, यहाँ एक्स एक्सिस होते हैं ना, तो ये इधर पॉजिटिव होता है हमेशा, मामला इधर कैसा होता है, नेगेटिव होता है। वी, प्रतिबिंब 20 सेंटीमीटर पर, उत्तल है तो प्रतिबिंब भी कैसा होगा,
नेगेटिव होगा, क्लियर है। तो फोकस दूरी निकालनी है, तो आपको पता है फोकस निकालने का, वन अपॉन एफ इज इक्वल टू वन अपॉन वी, तो माइनस के वन अपॉन ट्वेंटी, माइनस के वन अपॉन फिफ्टी, माइनस माइनस प्लस, क्योंकि माइनस फॉर्मूला होता है ना, तो माइनस ये आएगा तो प्लस हो जाएगा। अरे वन अपॉन एफ इज इक्वल टू माइनस के वन अपॉन वी माइनस में वन अपॉन यू, यही होता है ना, क्लियर है। तो एलसीएम बताओ कितना आएगा, एलसीएम 100 आ जाएगा, तो माइनस के 5 प्लस के 2, तो कितना आ जाएगा, माइनस के 3 अपॉन में 100। ये एक बटे एफ की वैल्यू आई है प्यारे बच्चों, किसकी आई है, एक बटे एफ की वैल्यू आई है। तो एफ की वैल्यू कितनी होगी, तो 100 बटे में 3 माइनस के, तो कितना आएगा, 33.33 आ जाएगा। तो फोकस दूरी कितनी आ गई, 33.33, क्लियर है, क्लियर है ना प्यारे बच्चों। मुझे उम्मीद है कि ये बात आप यहाँ से समझ पाए होंगे, लेंस फॉर्मूले और दर्पण के फॉर्मूले में क्या क्या कंसेप्ट बनता है, कैसे कैसे कंसेप्ट बनता है, क्लियर है प्यारे बच्चों। इसी में एक छोटा सा कंसेप्ट बनता है प्यारे बच्चों, और वो जिक्र आता है पावर का, किसका पावर, जिसको कहते हैं क्षमता, चाहे लेंस की क्षमता हो चाहे दर्पण की क्षमता हो, मींस चाहे मिरर की क्षमता हो चाहे लेंस की क्षमता हो, उसको हमेशा किस में मापा जाता है प्यारे बच्चों, डायोप्टर में मापा जाता है, किस में, डायोप्टर से, जिसको हम डी से डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं प्यारे बच्चों, डी से डिनोट करते हैं डायोप्टर, क्लियर है, क्लियर है। कहीं कहीं आपको ये ऐसे भी लिखा मिलेगा, डायोप्टर, क्लियर है। ये डायोप्टर, इसकी जो क्षमता होती है, जो पावर होती है, वो कैसे निकाली जाती है, इसको जानने के लिए स्टूडेंट आपको इंतज़ार करना होगा हमारे अगले एपिसोड का, हमारे अगले सेशन का, हमारी अगली क्लास का। तो इसमें एक छोटा सा कंसेप्ट बसता है प्यारे बच्चों, फिर उस अगली क्लास में हम MCQ करेंगे जो हमने पिछली क्लासेज में सीखा है, तो ऐसे ही MCQ के लेकर जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं या आने की संभावना है, तो उनके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। पावर के बारे में पहले सीखेंगे, देन उसके बाद हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो दोस्तों आज की क्लास में केवल इतना ही, तो अगली क्लास में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय बाय, ओके, थैंक यू, लव यू ऑल स्टूडेंट, फिर मिलते हैं। और हमसे जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, कि बार बार मैं शुक्रिया क्यों कहता हूँ, क्योंकि प्यारे बच्चों हम आपसे हैं, आप हमसे हैं, वी आर कंप्लीट टू ईच अदर, हम एक दूसरे के पूरक हैं, वी आर नॉट अ कंपटीटर, वी आर कंप्लीट टू ईच अदर। आपके सपोर्ट से हम आगे बढ़ते हैं, हमारे सपोर्ट से आप आगे बढ़ते हैं, यही तो सहजीवी तो यही होता है ना, जब एक दूसरे के साथ रहकर आपस में रिलेशन बनाते हैं। तो दोस्तों आज की क्लास में केवल इतना ही, फिर आपसे अगली क्लास में मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय बाय, ओके, थैंक यू।